हे गाइस, माय सेल्फ राज एंड यू आर वाचिंग राज लाइव। गाइस, अप्रैल का सारा डिटेल आ चुका है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। डेफिनेटली यार, मतलब डिटेल में बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन के साथ बात करेंगे। ओके, यहाँ पे गाइस, सबसे पहले लेकिन हम बात कर लेते हैं उन तीन लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बहुत अच्छा काम किया है। और वो तीन है गाइस, विनोद यदुवंशी, वैभव एंड तरुण RSYTFF। गाइस, ये तीन लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बहुत अच्छा काम किया है गाइस। एंड गाइस, अगर आप लोगों को भी हमारे वीडियो में फीचर करना है तो डेफिनेटली, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए एंड मुझे हाई लिख के भेजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो वेलकम टू आवर वीडियो गाइस। ओके, अब बात करते हैं गाइज अप्रैल के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहला चीज़ गाइज, अप्रैल का कम्युनिटी डे, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल में बना रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। वैसे 23 अप्रैल को स्टफल का कम्युनिटी डे है। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपकमिंग इवेंट के बारे में गाइज। अप्रैल फूल्स, यहाँ पे गाइज, ओ का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है डिट्टो। और डिट्टो का मतलब यार, मतलब क्या है कि अप्रैल टू ओ मिलेगा, डिट्टो मिलेगा, साइनी डिट्टो भी डेफिनेटली मिलेगा। यस गाइज, साइनी डिट्टो भी मिल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यू नो, एक तारीख एंड दो तारीख, ये दो दिन जो है हमको डिट्टो मिलेंगे, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपेयर हो जाएंगे। एंड डिट्टो के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ गाइज, कौन कौन से पोकेमोन हैं ऐसे जो डिट्टो में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करो और पता कर लेना, यानी पता चल जाएगा आप लोगों को कि कौन कौन से पोकेमोन डिट्टो में ट्रांसफॉर्म होते हैं। वैसे इस समय ज़्यादातर नमल अपेयर हो रहा है, एंड क्या नाम है उसका यार, देखो मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम है वो पीले कलर का जो है, वैसे गाइज अभी इस टाइम में आपको नमल ट्रांसफॉर्म होता है डिट्टो में गाइज, एंड अभी नमल मिल रहा है वाइल्ड में। एंड गाइज, ड्राउजी बहुत अपेयर हो रहे हैं, तो मे बी ड्राउजी यू नो डिट्टो में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन ये है कि इवेंट के टाइम में मे बी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ नए पोकेमोन आ जाएँ, जो कि नए मतलब कुछ और अलग स्पॉन होने लग जाए। बहुत सारे एक्चुअली पोकेमोन जो है डिट्टो में ट्रांसफॉर्म होते हैं। ओके, अरे भैंस की यार, हे गाइज, माई सेल्फ राज एंड यू आर वॉचिंग राज लाइव। गाइज, अप्रैल का सारा डिटेल आ चुका है, तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज ये तीन बंदे गाइज जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा काम किया है, वेल नेक काम किया है, वो हैं गाइज आज के सब्सक्राइबर ऑफ द डे, विनोद यदुवंशी, वैभव, तरुण RSYTFF। तो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। एंड गाइज, अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ में फीचर होना है तो डेफिनेटली, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड कमेंट में हाई लिखिएगा, और ऑलरेडी कर रखे हो तो वेलकम टू आवर कम्युनिटी। मैन, आगे बात कर दो बड़ा से अप्रैल के डिटेल के बारे में गाइज। तो सबसे पहले अप्रैल का कम्युनिटी डे गाइज, स्टफल का कम्युनिटी डे रहने वाला है 23 अप्रैल को। वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, आई बटन पे क्लिक करो, मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। एंड अपकमिंग इवेंट के बारे में गाइज, अपकमिंग इवेंट है गाइज अप्रैल फूल, मतलब यू नो दैट सो कॉल्ड फूल, हमको यानी जो कुछ पोकेमोन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं डिट्टो में, ओ का मतलब ही होता है ब्रो डिट्टो। यहाँ पे ओ जो देख रहे हो ना, ये ओ डिट्टो है, ठीक है? तो ट्राई करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर साइनी डिट्टो गाइज। नेक्स्ट इवेंट होगा गाइज, ऑल हैंड्स रॉकेट रिट्रीट, रॉकेट टीम गो रॉकेट का है इवेंट, मतलब कुछ नए और शैडो पोकेमोन हमको देखने मिलेंगे। अप्रैल 3 से अप्रैल 7 तक चलेगा, स्टे अलर्ट। ओके,
स्प्रिंग इन टू स्प्रिंग फ्रॉम ट्यूजडे अप्रैल 12 टू मंडे अप्रैल 18 एंड गेट रेडी टू जंप हेड फर्स्ट इन टू स्प्रिंग विद दिस थीम इवेंट। थीम इवेंट के बारे में अभी देखो स्प्रिंग इसका कोई डिटेल वगैरह दिया नहीं है, बस यही है कि स्प्रिंग टू स्प्रिंग जो है वो 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक होगा। सस्टेनेबिलिटी वीक 20 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगा। ट्रेनर विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी व्हाइल अनदर पोकेमोन ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन द अलोला रीजन मेक्स इट्स पोकेमोन डेब्यू। सीधी सी बात बोलूँ कुछ नए पोकेमोन का डेब्यू होगा अलोलन पोकेमोन का, ठीक है। रेड्स का बात करते हैं गाइस, सबसे ज़रूरी चीज़, बिकॉज हमको एक ही चीज़ चाहिए होता है, वो है रेड, ठीक है। द गार्डियन डेटी ऑफ उला उला आइसलैंड द लेजेंडरी पोकेमोन टापू बुलू विल बी मेकिंग इट्स पोकेमोन डेब्यू इन 5-star अप्रैल एंड थेर इन फॉर्म थंड्रस एंड लैंड्यूरस भी आएंगे। तो सीधी सी बात बोला जाए टापू ले ले गाइस, अप्रैल 5 तक रहने वाला है, तो यस बोर होने ही वाले हो, लेकिन बोरियत ख़त्म करने के लिए थेरियन फॉर्म ऑफ थंड्रस जो कि साइनी में रहेगा गाइस, साइनी का कलर बता दूँ सेम ही रहेगा, जैसा दिख रहा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होने की इसमें बात है नहीं। अप्रैल 12 से 26 तक रहने वाला है, वेल अप्रैल 5 से 12 तक रहेगा थेरियन फॉर्म ऑफ थंड्रस, अप्रैल 12 से 26 तक रहेगा टापू बुलू एंड थेरियन फॉर्म ऑफ लैंड्यूरस आ जाएगा गाइस। मई 3 से वाला अप्रैल 26 से मई 3 तक रहेगा, जो कि ये भी साइनी में रहने वाला गाइस। ये थेरियन फॉर्म ऑफ लैंड्यूरस को ज़रूर कैच करे, बिकॉज एक बहुत ही अच्छा पोकेमोन है एमएल के लिए, अगर आता है तो आएगा ही आएगा। वैसे हमने ऑलरेडी इसका प्रिडिक्शन कर चुके थे कि यार जब टॉर्नेडस आया है साइनी में तो इन दोनों को थोड़ी अकेला छोड़ देंगे, इनका भी साइनी आएगा ही आएगा, और वही हुआ है गाइस। मेगा चार्जार्ड वाई भी 5 अप्रैल तक रहेगा। मेगा मैनेक्ट्रिक आ जाएगा गाइस अप्रैल 5 से अप्रैल 12 तक रहेगा। अप्रैल 12 से अप्रैल 29 तक मेगा पीजीओट रहेगा एंड अप्रैल 29 से मई 3 तक। कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब समझ लो ऐसा हो सकता है कि कोई नया मेगा पोकेमोन हमको देखने को मिल जाए, तो ये एक अच्छा चीज़ होने वाला है, क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कोई नए पोकेमोन का, मेगा पोकेमोन का एक्चुअली। रेड आवर गाइस अप्रैल 6 को एथेरियन थंड्रस, अप्रैल 13 टापू बुलू, अप्रैल 20 टापू बुलू एंड अप्रैल 27 थेरियन लैंड्यूरस। ओके गाइस, वीकली 1 पोके कॉइन बंडल ये भी कंटिन्यू रहने वाला है, एवरी मंडे आपको मिलते ही रहेगा। अप्रैल फील्ड रिसर्च में गाइस ये इस बंदे को गौर से देख लो, अलोलन मेरुवैक बहुत सही रहेगा गाइस। इसको कैच करना है, कैसे कैच करना है, रिसर्च कंप्लीट कीजिए 7-day टास्क वाला एंड मिलेगा ये एक बहुत अच्छा। टिप्स बताता हूँ आपको, अगर आपका अभी का जो रिसर्च है वो कंप्लीट होने में टाइम लेगा, मतलब आपका जो 7-day है गाइस वो अप्रैल 1 को कंप्लीट होता है, तो ये बहुत अच्छा चांस रहेगा कि आप अपने रिसर्च को अभी कंप्लीट ना करके वेट करके आप डायरेक्टली 1 या 2 अप्रैल 2 को ओपन करें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा रिसर्च का। तो आपको क्या एक एक्स्ट्रा अलोलन मेरुवैक देखने को मिल जाएगा, और ये भी बात है कि साइनी में भी रहने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर साइनी। बात करते हैं गाइस पोकेमोन स्पॉटलाइट आवर का, तो स्टंट की है 2x कैंडी मिलेगा गाइस अप्रैल 5 को ट्रांसफर करने पे। अप्रैल 12 को गाइस बनल भी 2x एक्सपी फॉर इवॉल्विंग पोकेमोन साइनी में अवेलेबल रहने वाला है। और डिस अप्रैल 19 2x कैच स्टारडस्ट एंड अप्रैल 26 गाइस सनशाइन फॉर्म चेरीम 2x कैच एक्सपी, ये साइनी में नहीं रहने वाला एक्चुअली। और अभी बस यही है यही है यही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और बताए, अ न्यू एडवेंचर साइनिक विजिट विल बी अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड डिवाइस इन अर्ली अप्रैल। यहाँ पे कुछ एडवेंचर साइनिक का बात हुआ है, तो मे बी हमको देखने को मिले कुछ अलग। व्हेन यू इनेबल एडवेंचर साइनिक यू विल नाउ हैव टू ऑप्शन टू ऐड अ विजिट टू योर डिवाइस होम स्क्रीन सो यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस। ये समझ लीजिए iOS में ऑलरेडी ये अवेलेबल है, एक विजिट मिलेगा जिससे आपको पता लगते रहेगा कि हाँ यार कितना कैंडी आपने गेट किए हैं, कितना एग हैच आपने किए हैं, या एग हैचिंग में कितना टाइम और रहेगा, कितना वॉक करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा और कन्वीनियंस फीचर होने वाला है। तो गाइज यही थे आज के, वेल अप्रैल के अपडेट, कुछ खास नहीं है बट हाँ ठीक है,
ठीक है, बाकी तो इवेंट आएगा तो ही हमको पता लगेगा यार कि मज़े किस में आने वाले, असली मज़ा तो यू नो दैट इवेंट में ही आएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन, खाओ पियो मस्त रहो, ओके, एंड कमेंट जरूर करने का, बाय गाइस, टेक केयर एवरीवन।